हेलो वेलकम बैक दोस्तों, मैं सचिन गलौ सस्ता घर की तरफ से फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप और आपकी फैमिली में सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों इस समय कोरोना केस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को सेफ रखें, अपनी फैमिली को सेफ रखें, मास्क लगाते रहें, हैंड वॉश करते रहें, जिससे आपकी फैमिली सेफ। अभी जो मैं खड़ा हुआ हूं, मैं छतरपुर मंदिर के आगे खड़ा हुआ हूं। छतरपुर मंदिर अपने आप में इंडिया का काफ़ी फेमस मंदिर है। यहाँ इंडिया के अंदर से काफ़ी लोग इसे देखने आते हैं क्योंकि यहाँ की इसकी एक मान्यता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको शनि धाम, गुरुजी मंदिर, राधा स्वामी मंदिर मिल जाता है, जिनकी अपने आप में काफ़ी मान्यता है। तो इस छतरपुर मंदिर को एक तरह से देवभूमि भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों की मुरादें काफ़ी पूरी होती हैं। और एक अच्छी इसकी भूमि है जो आपके लिए सूट करती है, जो यहाँ लोग रहने आते हैं उसको एरिया को छोड़ कर ही जाते हैं। और दोस्तों उसी प्रॉपर्टी पर लेकर चल रहा हूँ, 3 BHK फ्लैट आपको मैं दिखाऊंगा, अप्रॉक्स 125 स्क्वायर यार्ड में काफ़ी अच्छा फ्लैट है। तो दोस्तों लास्ट तक मुझसे जुड़े रहें। दोस्तों कंपाउंड के अंदर हम आ चुके हैं, जिस कंपाउंड के अंदर ये प्रॉपर्टी है। और जो कंपाउंड आप देख सकते हैं, ये मेन एंट्रेंस है आपकी, जहाँ से एक ही एंट्री एक ही एग्जिट है। और अप्रॉक्स 10 से 12 फ्लैट हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा फ्लैट नहीं है, तो ज़्यादा फैमिली नहीं आएंगी, तो आपके रहने के लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी सिक्योर ये कॉलोनी है और काफ़ी अच्छा सिक्योर ये कंपाउंड है। अब बात करते हैं कंपाउंड में आने का, किस तरह से आप आएंगे, यहाँ से मेट्रो कितने किलोमीटर है। तो मेट्रो आपको बताना चाहता हूँ, छतरपुर मेट्रो अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर है और कुतुबमीनार मेट्रो अप्रॉक्स 2 किलोमीटर है। और 100 मीटर की रेंज में सारे आपको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मिल जाते हैं, चाहे वो ई रिक्शा हो, शेयरिंग ऑटो हो, बसेस हो, सारी चीज़ें मिल जाती है जिससे आप इजीली मेट्रो जा सकते हैं। तो यहाँ से कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, जिससे आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। अगर कहीं आपको जाना हो, गुड़गांव जाना हो, आपको दिल्ली जाना हो, तो मेट्रो के थ्रू आप जा सकते हैं। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको प्रॉपर्टी पर ले चलता हूँ, जिस प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता रहा था। तो 125 स्क्वायर का फ्लैट है, वहाँ जाके हम चेक करेंगे किस तरह का फिटिंग फिक्चर लगा हुआ है। दोस्तों अब सबसे पहले मैं इसका एलिवेशन बता देता हूँ, किस तरह का एलिवेशन पर वर्क हुआ हुआ है। देख सकते हैं आप, इसमें स्टोन फिनिश पेंट हुआ हुआ है, जो आपके कॉमन एरिया में, जहाँ पे आप देखें ग्रुप के साथ किया हुआ है। और जो रेलिंग है वो ग्लास की रेलिंग लगा रखी है, SS304 की। इसमें टफन ग्लास आएगा जो काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी सिक्योर होता है। और इसमें आपकी फंडर मैक्स HPL करी हुई है, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। इसकी वारंटी 10 से 15 साल होती है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार एलिवेशन पर काम हो गया तो 10 से 15 साल बाद आपको इस पर पॉलिशिंग करानी होती है। अब दोस्तों चलते हैं फ्लैट की तरफ और फ्लैट में जाके चेक करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है दोस्तों, इसमें अभी ये फिनिशिंग पर चल रहा है, तो इसमें 1 से 2 महीने के अंदर आपको पोजीशन मिल जाएगी। दोस्तों हम फ्लैट के बाहर आ चुके हैं, ये कॉरिडोर बनता है, इसमें 3 फ्लैट है एक फ्लोर पे। ये लिफ्ट स्पेस हो गया, उधर 4 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट और पीछे 1 BHK फ्लैट। तो अप्रॉक्स 350 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर ये बिल्डिंग है। इसमें 125 गज का ये फ्लैट मैं आपको 3 BHK दिखा रहा हूँ। फ्लोरिंग की बात करूँ, जितने भी ड्राइवे कॉमन एरिया में फ्लोरिंग लगाई हुई है, ग्रेनाइट की फ्लोरिंग लगाई हुई है, तो काफ़ी हैवी होती है, काफ़ी ड्यूरेबल होती है। और स्टेयर केस भी काफ़ी हैवी लग रहे हैं, आप देख सकते हैं डबल पट्टी के साथ लगाया हुआ है। राइजर्स काफ़ी स्मूथ है, 6 इंच के राइजर दिए हुए हैं, स्टेप 11 इंची के दिए हुए हैं। और दोस्तों चलते हैं फ्लैट की तरफ। तो फ्लैट में अभी डोर नहीं लगा हुआ है, फ्लश डोर, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। चौखट इसमें आपको वारंटी की मिली है, इसमें पॉलिश हो रही है, तो इसमें ब्राउन कलर की पॉलिश आपको मिलेगी। डोर आपको जो मिलेंगे वो लैमिनेटेड डोर मिलेंगे। और लैमिनेटेड डोर की एक बात बताना चाहता हूँ कि लैमिनेटेड डोर काफ़ी ईजी होता है ऑपरेट करना, उसको ईजी साफ़ कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए गंदा लग रहा है, गीले कपड़े साफ़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आपको 2-3 साल बाद वो लैमिनेट चेंज करा सकते हैं, अगर आप कराना चाहते हैं, वो ईजिली हो जाती है। और डोर के साइज़ की बात करूँ, अप्रॉक्स इसकी 42 इंच इसकी चौड़ाई है, हाइट अप्रॉक्स 8 फिट दी हुई है, तो एक्सेस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आ चुके हैं ड्राइंग डाइनिंग के अंदर। ड्राइंग डाइनिंग स्पेस की बात करूं तो अप्रॉक्स 16x12 का ड्राइंग डाइनिंग स्पेस दिया हुआ है। टाइल उन्होंने डिजिटल टाइल, वाइट कलर की टाइल लगाई हुई है, जो आपकी हाई ग्लॉस कर रही हैं, काफ़ी डिजिटल टाइल लग रही हैं, हैवी लग रही हैं। और वॉल की बात करूं तो वॉल पे अब इन्होंने POP पेनिंग करके प्राइमर करा हुआ है, तो अभी पेंट नहीं हुआ है। स्प्लिट AC का कंट्रूट दिया हुआ है जिसमें ड्राइंग रूम के अंदर। ऊपर आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग की गई है चारों तरफ, कॉर्नर में 18 इंची के साथ, और बीच में डाउन सीलिंग दी हुई है। पैनल में आपकी 5 इंची पैनल लाइट दी हुई है। और इधर वेंटिलेशन के लिए एक आपको विंडो दी हुई है, जिसमें आप ओपनेबल पल्ले और ऊपर आपका विंडो AC भी लगा सकते हैं। तो इसमें आपको दोनों प्रोविजन मिल रहे हैं, स्प्लिट AC, विंडो AC का। अब इसकी मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। किचन आप देख सकते हैं, नीचे इन्होंने
पर्पल कलर का हाई ग्लॉस लैमिनेट लगाई हुई है जो ग्लिटर के साथ लगाई हुई है, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। ऊपर इन्होंने फ्रॉस्टी वाइट लगाई हुई है जो वो भी अच्छी लग रही है। दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। टॉप की बात करूँ तो काफ़ी हैवी ग्रेनाइट लगाया हुआ है ब्लैक कलर का, और टाइल्स आप देख सकते हैं वुडन टच में टाइल लगाई हुई है। और सारी जो भी आपकी बास्केट्स हैं, चाहे वो कटलरी हो, बोटल पुल आउट हो, मैजिक कॉर्नर हो, आपके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। और इधर वेंटिलेशन के लिए उन्होंने शाफ्ट दी हुई है जिधर से आपका चिमनी का पाइप वहाँ से निकल जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम की बात करूँ, अप्रॉक्स 11x14 का दिया हुआ है, साइज काफ़ी अच्छा है। ऊपर इन्होंने सीलिंग करी है चारों तरफ, आप देख सकते हैं। नीचे पैनल लाइट लगाई है 5 इंची। वॉल को स्मूथ करने के लिए उन्होंने पीओपी पनिंग की गई है जिससे कि वॉल आप काफ़ी स्मूथ लगे आपको। और फ्लोरिंग सेम फ्लोरिंग लगाई हुई है जो आप देख सकते हैं कि वही वाइट कलर की टाइल। इधर आपको एक वार्डरोब मिलेगी अप टू सीलिंग, और जिसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज करा सकते हैं अभी फॉर द टाइमिंग। इधर आपको एक टॉयलेट मिल रहा है, अटैच टॉयलेट। टॉयलेट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें देख रहे हैं गोल्डन कलर की पेंसिल्स लगाई हुई हैं। और आप देख सकते हैं इसमें टाइल्स आपकी आपका डायमंड एक पत्थर आता है, स्टोन आता है इटालियन, उसकी टाइल लगाई हुई है तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या किस तरह की फिटिंग मिल रही है इसके अंदर टॉयलेट के अंदर। इसमें आपको फ्लोर माउंटेड शीट मिल रही है, वॉल मिक्सचर मिल रहा है, और एक इसमें पेडिस्टल वॉश बेसिन आपको मिल रहा है। अब दोस्तों इससे हम बालकनी के बाहर भी जा सकते हैं, इसका एक्सेस बालकनी में दिया हुआ है। अब बालकनी की साइज़ की बात करूँ, अप्रोक्स 4.5x20 फिट की बालकनी है जो काफ़ी स्पेसियस है। इसमें चाहते हैं तो आप वॉशिंग एरिया का पॉइंट बना सकते हैं, तो वॉशिंग एरिया जो यूज कर सकते हैं इस एरिया को। अब देख सकते हैं कि ये एलिवेशन पे स्टोन फिनिश पेंट दिया हुआ है। ये रात में ग्लिटर आप देख सकते हैं, चमकता है, हल्का सा ग्लो करता है। अब दोस्तों चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम, जो भी इसका भी बालकनी में गेट ओपन होता है, तो दोनों जो फ्रंट बेडरूम है उसके लिए दोनों के बालकनी आपको मिल रही है। इसके साइज़ की बात करूँ अप्रॉक्स, ये भी आपका 11x14 का बेडरूम दिया हुआ है। बेडरूम का साइज़ सारा अच्छा है, बहुत अच्छे साइज़ के बेडरूम दिए हुए हैं यहाँ पे। इधर भी आपको वार्डरोब मिल रही है अप टू सीलिंग, आप देख सकते हैं। इसमें मैट की इसमें लैमिनेट लगाई हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। और ऊपर आपको वही फॉल सीलिंग मिल रही है 18 इंची पट्टी के साथ, और पैनल लाइट 5 इंची दी हुई है। और इधर वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं पीछे एक ओपनेबल पल्ले के साथ विंडो मिल रही है, ऊपर आप विंडो एसी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एयर वेंटिलेशन, लाइट वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है इस फ्लैट का। अब दोस्तों चलते हैं इसके, मैं आपको कॉमन टॉयलेट दिखा देता हूँ। कॉमन टॉयलेट में भी आपको बताना चाहता हूँ सेम फिटिंग मिल रही है आपके। फ्लोर माउंटेड सीट, आपका वॉल मिक्सचर मिल रहा है, और पेडिस्टल वॉश बेसिन मिल रहा है। साइज अप्रॉक्स बात करूँ तो ये 6x6 फिट का टॉयलेट दिया हुआ है, अच्छा साइज़ दिया हुआ है टॉयलेट का। और इसका एक बेडरूम में भी ओपन होता है एक डोर, और एक आपका ड्राइंग रूम में ओपन होता है। अगर आपका कोई गेस्ट आया हुआ है तो आप ड्राइंग रूम का गेट ओपन कर सकते हैं, और बेडरूम का गेट आप बंद कर सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट बेडरूम में हम आ चुके हैं, जो इसका लास्ट बेडरूम है जो इसके बैक साइड में पड़ता है। अप्रॉक्स के साइज़ की बात करूँ, ये 14x12 का बेडरूम है। बेडरूम के साइज़ सारे अच्छे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा साइज़ बेडरूम होगा। और बात करें तो इसमें भी अच्छी फॉल सीलिंग, और आपको बहुत अच्छी अप टू बहुत बड़ी एक वार्डरोब मिल रही है अप टू सीलिंग, जिसमें आप अपने हैंगिंग क्लॉथ, फोल्डिंग क्लॉथ यूज कर सकते हैं। जैसे और इधर एयर और लाइट वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं अच्छी विंडो दी है ओपनेबल पल्ले के साथ, ऊपर आपकी विंडो दी हुई है जिसमें आप विंडो एसी लगा सकते हैं। दोस्तों पूरे फ्लैट की डिटेलिंग मैंने कर दी है, फिर भी एक बार मैं इसका रिकैप करना चाहता हूँ। अगर बिल्डिंग की साइज़ की बात करूँ तो 350 स्क्वायर यार्ड की बिल्डिंग है। इसमें जो 3 BHK फ्लैट आपको दिखाया है मैंने, ये 125 स्क्वायर यार्ड का है। इसमें 3 बेडरूम, 1 ड्राइंग डाइनिंग स्पेसेस आपको मिल रहा है, 2 टॉयलेट्स आपको मिल रहे हैं। और बात करूँ कि इसके अंदर आपको एमिनिटीज़ क्या क्या मिल रही है बिल्डिंग के अंदर, इसके अंदर आपको पार्किंग मिल रही है, आपको लिफ्ट ब्रांडेड मिल रही है, CCTV कैमरे मिल रहे हैं, कॉमन टेरेस आपको मिल रहा है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर गवर्नमेंट सुविधाएं आपको क्या क्या मिल रही है कंपाउंड के अंदर। इसमें आपको IGLE गैस पाइपलाइन मिल रही है, पानी दिल्ली जल बोर्ड का मिल रहा है। इसके अंदर कंपाउंड के अंदर इन्होंने सीवर डाला हुआ है, तो सीवर आपको मिल रहा है। और डेली नेसेसिटीज़ की बात करूँ तो तिवोली के आसपास सारी मार्केट अवेलेबल है, 100 से 200 मीटर की रेंज में। बच्चों के स्कूल से आपके बसंत कुंज के 4 किलोमीटर की रेंज में सारे स्कूल से आपको मिल जाते हैं। अब दोस्तों इस फ्लैट के बारे में कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और हमें कॉल कीजिए, और इस फ्लैट को बुक कराइए,
और अपने विजिट शेड्यूल करिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आने वाली सारी वीडियो, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।